बहुत बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो टीम खास करके दिलीप वर्मा की बैटिंग मैंने देखा, साथ में उनके योगेश से जिस प्रकार से दोनों बैट्समैन खेल रहे थे कि हमेशा स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जब स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं तो 6 गेंद पे एटलीस्ट 6 रन आएंगे तो 24 गेंद पे 24 बनेंगे, 5-6 रन और अगर आपने जोड़ लिया तो अच्छी स्थिति में आपकी टीम हो जाती है। यही दोनों टीमों में एक बहुत बड़ा फर्क है कि डॉट गेंद नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से बैटिंग होती है। अब यहां पे बड़े शॉट की दरकार, लेकिन 2 गेंद डॉट कहीं ना कहीं, जिसका दबाव होगा कि आप या तो बड़ा शॉट के चक्कर में विकेट फेंकेंगे या तो बड़े शॉट लगाएंगे। ये बाउंड्री आते हुए तीन गेंद पे 4 रन आ गए हैं। अब 3 गेंद पे अगर 3 रन भी आते हैं तो टीम अच्छी स्थिति में। हेलो, लेकिन अपील की जाती हुई और चार गेंद 5 रन बन चुके हैं और अभी भी यहां पे शैलेश सामना करने के लिए तैयार, राज की गेंद का राज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ओ फील्डर बीच में आए, अन्यथा थ्रो बिल्कुल विकेटों पे जा रहा था तो शायद आशीष की पारी का अंत भी हो सकता था। अच्छी फील्डिंग हुई थी, थ्रो अच्छा था, लेकिन विकेटों के बीच में वहां पर फील्डर आ गए। राज की गेंद का सामना करने के लिए आशीष तैयार होते हुए, नेचुरल गेम खेलते हुए कोशिश करते हुए बड़ा शॉट लगाया जाए। सात रन बन चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना किसी विकेट के पतन के ब्लैक मांबा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वीकेंड वॉरियर्स की तरफ से। दर्शक तमाम देखे इस समय 10:15 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने घरों से बाहर बैठे हुए यहां पे आके मैच का लुत्फ उठाते हुए। कैमरा वर्क भी बहुत लाजवाब है, वीडियो एडिटिंग की जिम्मेदारी तो प्रथमेश जी जागते सोते निभाते हुए, बहुत धूप खाए हैं आज, वाइट का इशारा आता हुआ इधर अयूब खान का, वाइट प्लस 1, स्कोर 8 हो चुका है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए पुनीत, नो यस वाइट प्लस 1 था, 9 रन हो चुके हैं। इस बार फिर टैप करके गेंद को खेला, 1 रन मिला। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 10 पर। आशीष पुनीत की गेंद का सामना करने के लिए तैयार, 1 रन मिलता हुआ। इस बीच रनआउट का खतरा, एक को तो जाना पड़ेगा। सरफराज खान इस समय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, टीम के कैप्टन हैं।
पुनीत की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। एक अलग स्टाइल में वहां पर फील्डर हैं, मुस्कुरा रहे हैं, डर तो लगता ही है कि कहीं बॉल आके हमारी पीठ पे ही ना लगे। पुनीत आशीष अपनी डिमांड हमेशा रखते हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1.5 ओवर के बाद स्कोर 13। एक रन, देखिए सरफराज बिल्कुल सही बल्लेबाजी करते हुए कि जब सिंगल ही लेना है। दो ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 14 एक विकेट के नुकसान पे। जब सिंगल ही लेना है तो बहुत तेज बल्ला चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा गैप में आप गेंद को इधर उधर टाल दो बस, उसके बाद फिर हो सकता मिस फील्ड हो तो सिंगल को डबल में तब्दील करो, क्योंकि बाउंड्री के लिए आपको जाना है तो फिर रिस्क उठाना ही पड़ेगा। बाउंड्री के लिए अगर आप जाते हैं या तो बाउंड्री मिलेगी या तो हो सकता है कि सिंगल भी ना मिले। तेजी से गेंद फील्डर के पास पहुंचती है तो कभी कभी अवसर सिंगल लेने का भी नहीं मिलता है। सोहम गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए सामने उनके इस समय सरफराज खान। डॉट गेंद होती हुई, नो बॉल, नो प्लस वन, प्रेट नॉट आउट, लेकिन गेंद भी तो डॉट हुई, कोई फायदा नहीं मिला यहां पे। अगर नीची रहती गेंद तो शायद सिंगल मिलता, कोशिश वही कर रहे थे आशीष लेकिन सफल नहीं हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा यहां पर सोहम की, अच्छी वापसी किया था, नो बॉल थी, फ्री हिट थी और फ्री हिट पे कोई रन नहीं दिया। KPL 2.0 का यह मुकाबला चलता हुआ इस समय ब्लैक मांबा की टीम बल्लेबाजी कर रही है 16 पर ही 2.2 ओवर के बाद। आफ्टर 2.2 ओवर स्कोर इज 16, लॉस ऑफ वन विकेट। सोलह रन बने हैं यहां से, कम से कम अभी भी 14 रन की कोशिश ब्लैक मांबा की टीम करेगी, लेकिन वीकेंड वॉरियर्स की टीम को अच्छी गेंदबाजी करके रोकना होगा ब्लैक मांबा की टीम को। एक रन मिलता हुआ, वाह वाह बहुत ही अच्छी फील्डिंग। वहां पर सुनील है, अब सुनील सीधे खड़े हो गए, उन्हें पता है उल्टा खड़ा रहने में खतरा ज्यादा। वन टू गो, यस, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। दो रन,
तीन ओवर की समाप्ति के बाद 21 एक विकेट के नुकसान पे। एक रन मिलता हुआ। अयूब खान हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं और मुस्कुराहट के पीछे का राज हम ही लोग समझ सकते हैं। आशीष रन आउट हुए यहां पे और अभी भी चार गेंद बची हुई है और 22 रन बन चुके हैं। नो बॉल का रिव्यू मिडल लाइन। ओके नो प्लस वन आयुब जी, यस 26 2-2 गो 26 2-2 गो फ्री हिट। ट्वेंटी एट टू विन।
तुषार, पहली गेंद आशीष की, डॉट, तुषार है बैट्समैन। यस, रिव्यू चेक किया जा रहा है भाई। अंपायर का है, रिव्यू है, बैट्समैन, बैट्समैन का रिव्यू ना, यस, ओके। अंपायर सॉफ्ट सिग्नल जो है वाइड नहीं है, बैट्समैन का रिव्यू। वाइड नहीं है, रिव्यू लॉस, एक ही रिव्यू था, बिल्कुल। पॉपिंग क्रीज के अंदर से गेंद एक बार पड़ने के बाद फिर किधर भी मुड़ जाए। एक रन मिलता हुआ, तीन गेंद और दो रन अभी तक बन चुके हैं। लक्ष्य 28 का है तुषार। अच्छी फील्डिंग, तुषार और हर्ष की जोड़ी। अयुब जी क्या है ये, नो बॉल फ्री हिट है, वाइड बॉल, यस। पांच पांच रन अभी तक बने हैं, एक ओवर की समाप्ति के बाद पांच, 18-23 रन।
सरफराज बॉलिंग करने के लिए तैयार। आशीष सिंह ही रहे होंगे ये थ्रो लगाने वाले, बिना आशीष के कोई और नहीं हो सकता। 10 रन तो इस समय 1.4 ओवर के बाद स्कोर 10 बिना किसी विकेट के पतन के। 28 रनों का लक्ष्य, तुषार बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। सिंगल लेते हुए आखिरी गेंद इस ओवर की यानी कि दूसरे ओवर की, 11 रन हुआ है अभी तक स्कोर, अभी भी 17 रन की जरूरत। ओवर समाप्त हुआ, 12 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद 12, दो ओवर की समाप्ति के बाद 12, 16 रन और चाहिए, 12 पे 16। बॉलर गौरव, सामने हर्ष, चार रन। सत्रह हुआ स्कोर और यहां से मात्र 11 रनों की और आवश्यकता है। डॉट गेंद, चार रन। किस चार बॉल, टू टू गो, एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 22 पे 22 पे। आखिरी गेंद इस ओवर की,
अच्छी गेंद डॉट होती हुई, छे पे छे, छे पे छे, मिल्टन की तरफ देख रहे हैं। दोनों ओपनर बिल्कुल लग रहा है कि मैच जिता करके ही वापस जाने वाले हैं और वही कोशिश है। चार पे चार, चार पे चार, एक रन। तीन पे तीन,
एक रन, यस, तीन पे तीन ना। दो पे दो, दो गे दो रन ना, दो पे दो। तुषार कैप्टन है और ऐसे मौके पे कोशिश करनी चाहिए उन्हें कि अपने टीम को जीत दिलाए, लेकिन इधर नितिन है गेंदबाज। एक पे एक, और इस मुकाबले को जीत लिया है टीम वीकेंड वॉरियर्स ने।